ग्वालियर के जिला उपभोक्ता फोरम ने आईएएस परीक्षा की तैयारी कराने वाली दिल्ली की संस्था आईएएस विजन पर छात्र को 1 लाख रुपए और केस दायर करने में खर्च की गई राशि को वापस करने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता फोरम ने यह निर्देश दो सिद्ध होने पर दिए हैं। दरअसल ग्वालियर के रहने वाले आकाश यादव ने दिल्ली की मुखर्जी नगर में स्थित प्रतिष्ठित संस्था आईएएस विजन में एडमिशन लिया था। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के विपरीत यहाँ साल भर की फीस 1,80,000 रुपये उसे जमा कराए गए। कोचिंग संचालकों ने छात्र को झांसा दिया था कि उनके संस्थान में सिर्फ 250 ही बच्चे हैं, जबकि हकीकत में 500 से ज़्यादा बच्चे थे। पढ़ाई का स्तर भी छात्र को समझ नहीं आया। उसने अपनी फीस संस्थान से वापस मांगी, लेकिन संस्थान ने यह कहते हुए उसे उसकी फीस जमा वापस करने से मना कर दिया कि उनके यहाँ इस तरह का नियम नहीं है। आकाश यादव ग्वालियर के इंदिरा नगर का रहने वाला है। इस बीच कोचिंग संस्थान द्वारा छात्र से यह कहकर ईमेल करवाया गया कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए उसकी फीस वापस कर दी जाए। जब छात्र अपने घर ग्वालियर वापस आया तो वह बीमार पड़ गया। शिक्षण पसंद न आने और स्वास्थ्य खराब होने से छात्र कोचिंग अटेंड नहीं कर सका। उसने कोचिंग संस्थान से कई बार अपनी फीस वापस मांगने का अनुरोध किया। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोचिंग संस्थान को नोटिस भी भिजवाया, लेकिन संस्थान ने फीस वापस करने से इनकार कर दिया। तब उपभोक्ता फोरम में यह मामला लगाया गया। इसके लिए कोचिंग संस्थानों द्वारा बनाई गई एक तरफा नियम शर्तों को भी चुनौती दी गई, जिसे उपभोक्ता फोरम ने स्वीकार कर आदेश पारित किया है कि संस्थान छात्र द्वारा जमा की गई फीस में से GST राशि काटकर 1 लाख रुपये फीस और प्रकरण एवं मानसिक परेशानी के रूप में 8,000 रुपये छात्र को वापस करे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों की मनमानी चलती है, मोनोपोली चलाते हैं और छात्र चूँकि उनकी छवि अच्छी होती है वहाँ पहुँचते हैं, उनसे जो फीस है वो पूरी वर्ष भर की फीस इकट्ठी जमा करवा लेते हैं। यदि उनकी पढ़ाई पसंद नहीं आती, कोई समस्या आती है, उनके टीचर अच्छे नहीं हैं, तो छात्र को ये मौका नहीं है कि वहाँ से अपना एडमिशन रद्द करा ले और फीस वापस कर ले। इसी तरह से एक मामला आईएएस विजन जो कि दिल्ली मुखर्जी नगर की प्रतिष्ठित संस्थान है उसका था। ग्वालियर के रहने वाले आकाश यादव जो कि वहाँ कोचिंग में पढ़ते थे, कोचिंग में बताया गया लगभग 250 छात्र रहेंगे, जबकि वह 500 छात्र थे। शोर शराबा था, पढ़ाने का जो तरीका था वो समझ में नहीं आया, तो छात्र ने अपनी फ़ीस वापस मांगी। तो उनका खुद ने अपने नियम बना रखे थे कि हम कोई फ़ीस वापस नहीं करेंगे। कोर्ट के सामने भी उन्होंने आके यही बात कही, किंतु कोर्ट ने यह पाया कि यदि आपने फ़ीस जमा करवाई और सर्विस अच्छी नहीं दी है, सेवाएँ अच्छी नहीं दी हैं, तो आपको फ़ीस वापस करनी चाहिए। इस संबंध में 1,80,000 रुपये जमा करवाए गए थे छात्र से और 1 लाख रुपये कोर्ट ने वापस किए हैं, बाकी GST वगैरह का पैसा था। हालांकि 52,000 रुपये उस फीस में से कोचिंग संस्थान पर कोर्ट ने छोड़ दिया है, जिससे हम लोग दुखी हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट एक बार में 3 महीने से अधिक फीस जमा नहीं करा सकता, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व से निर्णय है। इसको देखते हुए 3 महीने का जितने दिन छात्र पढ़ा है उतने दिन या उस महीने की फ़ीस आप काट सकते हो, शेष वापस करनी चाहिए। इस संबंध में आयोग द्वारा शिकायत स्वीकार की गई है, क्योंकि कोचिंग संस्थान जो फीस जमा करा लेते हैं वापस नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध एक अच्छा निर्णय आया है। कितना जुर्माना उसको लगाया गया है? और 1 लाख रुपये वापस कराए हैं और 8,000 रुपये केस के खर्चे के ग्वालियर के स्तर पर दिलाए गए हैं।